मेक योर सेल्फ का मतलब है अपने आप को बनाना, यानी कि सबसे पहले हमें किसको बनाना है, अपने आप को बनाना है। तो अपने आप को हम कैसे बनाएंगे, तो सेल्फ इमेज पर सबसे पहले काम करना है। आपकी सेल्फ इमेज आपकी नजर में क्या है, दुनिया को छोड़ दो अभी आप, आपकी सेल्फ इमेज आपकी नजर में क्या है मुझे बताइए आप। ये जवाब तो हमें खुद मिल जाता है ना। अगर मेरी सेल्फ इमेज मेरी ही नजर में ठीक नहीं है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। कहते हैं ना कि जो इंसान खुद की नजर में गिर गया वो कभी नहीं उठ सकता। फिर तो सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ इमेज को खुद की नजर के अंदर, और वो कब आएगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा वो अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपकी इमेज आपकी नजर में क्या है, जैसी आपकी नजर में आपकी इमेज होगी वैसे ही आपके रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों की निगाह में भी आपकी नजर होगी, इमेज होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे ये अभी रेस्टोरेंट के वेटर खड़े हैं यहाँ पे, है ना। अब हमें मालूम है कि यहाँ काम करते हैं तो इनकी सैलरी 5, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये होगी, और इन्होंने अंदर से माना भी हुआ है कि मैं यही हूँ। लेकिन अगर इनको यहाँ पे ये सूट वूट पहना के और यहाँ खड़ा कर दिया जाए, यहाँ खड़ा कर दिया जाए और आप जानते ना हो स्पीकर को, सिर्फ नाम सुनाओ, शक्ल ना देखी हो, और यहाँ से जैसे विनीत जी ने मुझे इनवाइट किया ऐसे ज़बरदस्त तरीके से इनको इनवाइट किया जाए और इनको यहाँ पे बुला के खड़ा कर दिया जाए, तो इनकी इमेज आपकी निगाह में क्या होगी उस वक्त, बहुत बढ़िया ही होगी ना। क्योंकि आप शक्ल देख के थोड़ी देख बता रहे हो किसी को, वो तो बाद में पता लगेगा कि वो आदमी है या नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने कोटेशन बनाई है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा आपका पहला प्रभाव होगा वैसा ही सामने वाला आपको जज करेगा। सामने वाले को तब तक नहीं पता लग सकता आप गरीब हैं जब तक आप उसको बताते नहीं है कि आप गरीब हैं, हम ही बताते हैं। सामने वाले को कभी जिंदगी में पता नहीं लग सकता कि आप परेशान हैं तब तक जब तक आप उसको बताते नहीं है कि आप परेशान हैं। और हमारी आदत क्या पड़ गई है, जैसे ही कोई बैठे अपनी परेशानी। और एक बात ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम और बता रहा हूं, जितनी परेशानी आप सामने वाले से शेयर करोगे, ये मैंने बहुत टाइम तक किया, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान रहा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर इसके ऊपर कुछ बातें बताई गई, उसमें एक ही चीज़ बताई थी कि भूल के भी अपनी परेशानी किसी से शेयर मत करो। पहला काम जो अपनी ज़िंदगी में करना है ना वो क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम अपनी परेशानी किसी से शेयर करना बंद कर दो आप। और उसके पीछे सिद्धांत बताया कि अगर आप किसी को अपनी परेशानी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो तो आपने उससे अपनी परेशानी शेयर की, वो पहले से ही परेशान है अपनी परेशानियों से, उसने आपकी परेशानियों को पकड़ लिया, आप उठ के चले गए। अब दूसरी कोई सहेली या दूसरा कोई दोस्त आपका उसके पास आके बैठ गया, वो क्या बोलेगा आपके बारे में, यार वो आया था बड़ा परेशान चल रहा है यार, अपनी सारी परेशानी बता के गया, उसके घर में ही चल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो तो गरीब है, उसकी तो हालत बहुत फटेहाल हो गई, हम तो बहुत अच्छा समझते थे। अच्छा, उसने दूसरे से जिक्र किया, दूसरे ने किससे किया, तीसरे ने किससे किया, चौथे से किससे किया, यानी कि जो बात किसी को पता नहीं लगनी थी आपने खुद बता दी और अब सबको पता लग गई। अब सब लोग क्या क्या करेंगे आपके लिए, इस आदमी से बच के रहो आप। और वो जो सब बोल रहे हैं वो सब यूनिवर्स में जा रहा है, वो सब यूनिवर्स में जा रहा है, और जब यूनिवर्स में जा रहा है तो यूनिवर्स वही चीज आपको लौटाना शुरू कर देती है कि तो बेचारा है। तो उस दिन मैंने एक सिद्धांत को समझा कि अपनी प्रॉब्लम अपनी परेशानी को कभी किसी से शेयर नहीं करना, तब तक वो आदमी आपको जज ही नहीं कर सकता आप करोड़पति हैं या गरीब हैं। और जहां आपकी आदत पड़ गई ना बार बार रोने की, एक यहां तक बताया जाता है साइंस के अंदर कि अगर आपको कोई बीमारी है और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, तो लोगों के कैंसर तक ठीक हो गए हैं, ये थॉट प्रोसेस से, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से कि मैं बीमार नहीं हूं। और एक बुक ऐसी है जिस बुक के ऊपर मैं कभी ट्रेनिंग दूंगा, एक लेडी ने एक बुक लिखी है, उस बुक में ये लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं कैंसर आपको ऐसी चीजें खाने से होगा जिनको खाने से कैंसर होता है, कैंसर उन लोगों को भी होता है जो कुछ ऐसी पर्टिकुलर बातें डेली सोचते हैं जिन बातों के सोचने से उस इंसान को कैंसर हो गया। बहुत सारे लोगों को हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, मैक्सिमम हार्ट पेशेंट कैसे होते हैं, सिगरेट ज्यादा पीने से, बीड़ी ज्यादा पीने से, लीवर लोगों को खराब हो जाते हैं, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन ऐसी लेडी जो अल्कोहल लेती नहीं है उसका लीवर कैसे खराब हो गया भाई, खाना पीना भी सबको ठीक है। तो थॉट प्रोसेस से बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में जन्म ले लेती हैं, और प्रूव कर दिया उस लेडी ने कि बीमारी के आगे उसने थॉट्स लिखे हुए हैं कि जो आदमी ये ज्यादा थॉट्स करते होंगे उनको ये बीमारी 100% होगी ही होगी। और किसी इंसान को अगर आप बोलोगे, कोई कहेगा मेरे थायराइड है, तो आप उसमें थायराइड देखिए, और वो जो सामने लिखा हुआ है कि वो आदमी ये ज्यादा सोचता होगा, उस आदमी को खड़ा करके बोलिए कि आप ये ज्यादा सोचते हो, कहेगी हाँ ये मैं ज्यादा सोचती हूँ। ये थॉट प्रोसेस से होता है।
तो हमें अपना थॉट प्रोसेस कैसे रखना है? पॉजिटिव रखना है। अच्छा, इसमें पैसा लगता है क्या? एक बात ध्यान रखना, ये एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा। लेकिन जब भी आप किसी के पास बैठें, जैसे ही कुछ नेगेटिव सवाल मन में आ रहा है, तो तुरंत ये मीटिंग ध्यान में आ जाना चाहिए कि मुझे अपनी बात इससे शेयर। जिसको दूसरे शब्दों में बोल गए हैं चाणक्य जी, कि अगर अपने पेट का राज, अपने घर का राज अगर आपने किसी को दे दिया, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी आने वाले वक्त में वो खराब करने वाला है। तो हम लोग खुद बता रहे हैं हम हमारे घर परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और फिर हम जाते हैं उसके बाद भाई वेस्टेज बिजनेस कर ले। चार दिन पहले रोके आए हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं? वेस्टेज बिजनेस कर ले। तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस लोगों से अच्छे संबंध बनाने का है। तो अच्छे संबंध बना सकते हैं, और आप चेक कर लेना, जिसके अच्छे संबंध होंगे, जो प्यार से लोगों से बात करता होगा, जो एक दूसरे के काम आता होगा, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उनके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके लोगों से अच्छे संबंध नहीं है, तो कल से अच्छे संबंध बनाने में कोई प्रॉब्लम है? बना सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इमेज पे हमें काम करना है,